हेलो एवरीबॉडी, डिजिटल जीके स्टडी में आपका स्वागत है। मैं एमडी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके बदलते पैटर्न को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मैं आपसे शेयर करूंगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। आप मुझे सपोर्ट कीजिए जिससे कि मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप तक अपडेट करता रहूं। इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, आप किसका उपयोग चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए करते हैं और किसका प्रयोग दूसरे स्थान पर पेस्ट करने के लिए करते हैं, तो कौन सा है वो की कौन सी है, चलिए देखते हैं क्या है। कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस एक्स, या कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस बी, या कंट्रोल प्लस एक्स या कंट्रोल प्लस सी, या कंट्रोल प्लस एक्स या कंट्रोल प्लस बी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें जो सही आंसर है वो ये है, कंट्रोल प्लस सी प्लस कंट्रोल प्लस बी। किसी भी पेस्ट टेक्स्ट को कॉपी करते हैं हम कंट्रोल सी से और पेस्ट करते हैं कंट्रोल बी से। चलिए अगला क्वेश्चन। एक डिस्क की मुख्य निर्देशिका या डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, होम, रूट, सब, ओप या डाटा? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है रूट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं आगे कौन कौन से आंसर हैं, क्वेश्चन है, आंसर है। एक एमएस डोज ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सिंगल टास्क ओएस, या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मल्टीटास्किंग ओएस, या कमांड यूजर इंटरफेस सिंगल टास्क ओएस, या कमांड यूजर इंटरफेस मल्टीटास्किंग ओएस, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है कमांड यूजर इंटरफेस सिंगल टास्क ओएस। दोस्तों, ये इसका आंसर है, करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा विंडोज का संस्करण नहीं है? तो कौन सा विंडोज का संस्करण नहीं है दोस्तों? इसका सही आंसर है विंडोज 96। चलिए आगे देखते हैं। एक शब्द की वर्तनी गलत टाइप किया जाता है तो किस रंग की लहराती रेखा का शब्द को रेखांकित करती है, कौन सी रेखा, कौन से रंग की रेखा शब्द को रेखांकित करती है लाल रंग की अगर हम गलत टाइप करते हैं तब? तो इसका सही आंसर है लाल, लाल इसका सही आंसर है ये। चलिए अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों, कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को डेटा की रो और कॉलम की गणना को प्रदर्शित करने के लिए अनुमति देता है, कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को डेटा की रो और कॉलम की गणना को प्रदर्शित करने के लिए अनुमति देता है? तो कौन सा है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, या एक बुकमार्क, या एक वर्कशीट, या एक कैलकुलेटर, या DBMS? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका है ए, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ऑटोसम के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है ऑल्ट, ऑल्ट प्लस, या ऑल्ट इज इक्वल टू, या ऑल्ट अंडरस्कोर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही करेक्ट आंसर, सही या करेक्ट आंसर है
क्वेश्चन नंबर 7 का सी। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ड में एक दस्तावेज में तेज और आसान तरीके से एक विशेष शब्द या वाक्यांश की लोकेशन का पता लगाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8, चलिए देखते हैं। रिप्लेस, फाइंड, सर्च, लुकअप या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है दोस्तों फाइंड। फाइंड से पता लगाते हैं, कंट्रोल एफ करके पता लगाते हैं फाइंड से कि हम किसी कमांड को उपयोग किया जाता है, किस कमांड को उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों क्या है? फाइंड। चलिए आगे देखते हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पेज ओरिएंटेशन, पेज लेआउट, पेज साइड, पेज व्यू या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका सही आंसर है दोस्तों पेज ओरिएंटेशन। चलिए अगला देखते हैं। उस वायरस का नाम बताइए जो एप्लीकेशन डाउनलोड करने या उन्हें क्रियान्वित करने के लिए उपयोगी होने का नाटक कर एक उपयोगकर्ता को मूर्ख बनाता है, तो कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10, क्रैकर, वर्म, ट्रोजन हॉर्सेज, क्लोगर या इनमें से कोई नहीं। दोबारा पढ़ता हूं मैं, क्रोकर, वर्म, ट्रोजन हॉर्सेज, एक क्लोकर या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ट्रोजन हॉर्सेज। ये हमें मूर्ख बनाता है जब हम कोई चीज डाउनलोड करते हैं तब। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा डाटा वेयरहाउस को वर्णित नहीं करता है? अपडेटेबल, इंटीग्रेटेड, नॉन वोलेटाइल, टाइम वेरिएंटेड, सब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है दोस्तों ए, अपडेटेबल। चलिए अगला देखते हैं। DBMS जानकारी के उपयोग से पूर्व स्टोर्ड किसका उपयोग किया जाता है? क्लाउड स्टोरेज, एक्सेस डाटा सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही आंसर है डी, फाइल मैनेजमेंट। चलिए अगला देखते हैं। संबंधित टेबल में आयोजित करने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 13, नॉर्मलाइजेशन या सर्जरेशन या जनरलाइजेशन या स्पेशलाइजेशन या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का ए, नॉर्मलाइजेशन। चलिए आगे देखते हैं। डेटाबेस में क्वेरी का उद्देश्य क्या है? इनपुट डेटा, आउटपुट रिजल्ट्स, शॉर्ट डाटा या फिल्टर डाटा या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ट्रांजेक्शन साइकिल का पहला चरण है, ट्रांजेक्शन साइकिल का पहला चरण कौन सा? डाटा एंट्री, ऑडिट, यूजर्स इंक्वायरी, डाटा ऑपरेशंस या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है दोस्तों डाटा एंट्री।
उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब आपको कर लेना चाहिए क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक पर मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट कराता रहूँगा। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।